ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। नहीं, किसी रेस में नहीं था। तो ये सूचना कैसे मिली आपको? हमारे एक मित्र ने फोन से दिया, मैं तो क्लास में था, फोन से बताया कि आपको फोन है। मैंने फोन लिया तो बताया कि आपको टिकट मिल गया है। हमने कहा अभी कंफर्म करता हूँ अध्यक्ष जी से क्या कैसा है। तो अध्यक्ष जी को मैंने पूछा, अध्यक्ष जी ने बताया कि नहीं सही है, आप प्रत्याशी हो गए हैं। जब जो जिम्मेदारी मिली, कभी जिला कार्यवाह हुए, कभी विभाग कार्यवाह, अनेक सूचनाएं मिलती थी। आप संघ से जुड़े हुए? जी, संघ से जुड़े हैं। इस वक्त हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, पारसनाथ राय को घोषित कर दिया। हमारे साथ पारसनाथ राय हैं और जिलाध्यक्ष सुनील सिंह हैं, हम दोनों लोगों से बात करेंगे। पहले तो आपका पारसनाथ जी यूपी तक में स्वागत है। धन्यवाद। पारसनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी लोकसभा से चुना है, क्या कहेंगे इस पर? पहली प्रतिक्रिया, धन्यवाद करेंगे उसको। आपको जिन लोगों ने चुना, क्या आपने इसमें जो टिकट की रेस में आपने टिकट मांगा था? नहीं, मैं किसी रेस में नहीं था। नहीं, किसी रेस में नहीं था। तो ये सूचना कैसे मिली आपको? हमारे एक मित्र ने फोन से दिया, मैं तो क्लास में था, फोन से बताया कि आपको फोन है। मैंने फोन लिया तो बताया कि आपको टिकट मिल गया है। हमने कहा अभी कंफर्म करता हूँ अध्यक्ष जी से क्या कैसा है। तो अध्यक्ष जी को मैंने पूछा, अध्यक्ष जी ने बताया कि नहीं सही है, आप प्रत्याशी हो गए हैं। तो आपको जब ये सूचना मिली तो पहला भाव क्या आया मन में? पहला भाव आया कि लड़ना है भाई। जब जो जिम्मेदारी मिली, कभी जिला कार्यवाह हुए, कभी विभाग कार्यवाह, अनेक सूचनाएं मिलती थी। आप संघ से जुड़े हुए? जी, संघ से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है, उसका कभी कार्यभार संभाले आप? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए, पारसनाथ जी संघ से जुड़े हुए हैं और जैसा इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक किसी भी कार्यक्रम से नहीं लड़े। सर, कभी सार्वजनिक जीवन में कोई राजनीतिक चुनाव लड़े आप? बताया तो कि एक वो मार्केटिंग का चुनाव लड़े थे, वो निर्विरोध हो गया था, उसमें कोई सामने नहीं आया। आपके सामने प्रत्याशी सपा ने दे दिया है, वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी, और बसपा ने अभी पत्ता नहीं खोला है, और जो इंडिया अलायंस है उसका भी समर्थन अफजाल अंसारी को है। तो इस लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? मैंने एक पहली बार कहा कि मैं एक सिपाही हूं संगठन का, चाहे जो भी सामने लड़ने आए उसे लड़ना है, ठीक से लड़ना है और विजय प्राप्त करनी है। बहुत सारे प्रत्याशियों का नाम आ रहा था यहाँ से, गाजीपुर से खुद मनोज सिन्हा जो महामहिम हैं, इस वक्त उपराज्यपाल हैं, उनका नाम आ रहा था, उनके बेटे का नाम आ रहा था, बहुत सारे लोगों का, लेकिन आपको जनता, आपको ऊपर से चुना गया। तो इस लड़ाई में अब आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं, किसके बल पर चुनाव? आपने भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों को आगे भी देखा है और सुना है। अभी मुख्यमंत्रियों की घोषणा हुई, जो लोग कयास लगा रहे थे कि इनका है, उनका है, इनका है, किसी का कयास काम आए? तो संगठन तो मूल्यांकन करता है किसको टिकट दें, संगठन के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता है, तो ये तो उनकी सोच है, उनका निर्णय है। 1 तारीख को मतदान होना है 7वें चरण में गाजीपुर का, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। तैयारी? पूरी तैयारी है, संगठन है ना, ये अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए पूरा पूरा। आपकी अपनी व्यक्तिगत कोई तैयारी अब कल से शुरू होगी या आज से, अभी से? कल से शुरू होगी, कल से शुरू हो गई, हो गई। आज बैठक करके निकल रहे हैं बैठक करके। देखिए, ये पारसनाथ जी हैं और अभी ये बैठक करके निकल रहे हैं।